नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आगरा जिले से, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई घटना का जायजा लेने पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, जिन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए घटना को बेहद दुखद बताया है और कहा है कि सबसे पहले सरकार की प्राथमिकता है कि जो लोग घायल हैं उन्हें बेहतर इलाज मिले। इसके लिए कमिश्नर, डीएम सहित तमाम अधिकारियों की टीमें बना दी गई हैं। पल पल का हाल लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं घटना की जानकारी ले रहे हैं, बाकी सरकार द्वारा घटना में मृतकों के परिवार को 5-5 लाख देने की घोषणा कर दी गई है। घटना से हर कोई दुख में है और हम सब पीड़ितों के साथ खड़े हैं। ज्वलती हुई है, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। डॉक्टर्स पूरी तरीके से इलाज कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझको, माननीय परिवहन मंत्री जी को, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को यहाँ पर भेजा है। एक कुछ स्तरीय कमेटी बनाई गई है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, मंडलायुक्त हैं, आईजी आगरा जोन हैं और ये कारण इसका पता करेंगे और कुछ सुझाव भी कि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना घटें वो उसके बारे में देंगे। लेकिन अभी पूरी चिंता केवल घायलों के इलाज के लिए है और 3 जगह इनको अलग अलग जगहों पर भर्ती किया गया है। अभी मैं एक जगह सोने के बाद दूसरी और तीसरी जगह जाऊंगा, उसके बाद घटनास्थल पर। सरकार ने कोई मुआवजे की भी घोषणा कर दी? 5 लाख रुपए का उनको मुआवजा का घोषणा हुई है और जो भी घायल हैं जितना भी उनका इलाज का खर्च होगा सरकार उठाएगी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।